एक तरफ चुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरी ओर अब भी बुलंदशहर की घटना का पर्दाफाश नहीं हो सका है। उसके जितने भी आला अधिकारी थे, किसी का तबादला तो किसी का सस्पेंशन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कोई भी सच उजागर नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं stnews.co.in में। जैसा कि हाल ही में हम आपको अवगत करा रहे हैं पल पल की खबरों से बुलंदशहर की, तो आज भी आपके सामने ले करके आए एक ऐसी खबर जिससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो अभी हाल ही में जो बुलंदशहर की घटना में जो एसपी सिटी का तबादला हो गया है, लेकिन इस घटना से पर्दाफाश जो पूरा मामला था उसका पर्दाफाश नहीं हो पाया है। आखिर क्यों? हर राजनीतिक पार्टी एक होकर के जब भी कोई बड़ा दंगा होता है तो एक मत होकर के क्यों नहीं खड़े होते हैं? दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा हम जनता के लिए सोचे और इस घटना से पूरा पर्दाफाश कर दें। लेकिन हाल ही में जितना जो भी हो रहा है इस घटना से पर्दाफाश नहीं हो पाया है, जिसके कारण सनसनी बुलंदशहर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे कुछ सवाल हैं आपसे, आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक के योगेश ने एक वीडियो वायरल किया था जिसके अंदर वो अपना बता रहा था कि मैं इस हत्या में नहीं हूँ, मैं उस समय घटनाक्रम में उस जगह पे नहीं था, और FIR में उसने कुछ और लिखा था और बयान वो वीडियो में कुछ और दे रहा था जिससे उसकी गलती उजागर हुई थी। लेकिन अभी तक के योगेश को पकड़ा नहीं जा सका है और योगेश का तो पूरा का पूरा मामले से नाम ही कहीं ना कहीं सफा कर दिया गया है। योगेश का अब नाम क्यों नहीं आ रहा है? जीतू को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन वीडियो के जरिए उसका एक सच तो उजागर हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों से पर्दा उठना बाकी है। तो हम आपको पल पल की खबर ऐसे ही देते रहेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो हमारे साथ में बने रहने के लिए और पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए।